नमन है दोस्तों। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में बहुत ढेर सक्सेस होते रहिए दोस्तों। यहाँ पे आज एंजल गाइडेंस लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही प्यारा गाइडेंस है, आप उसको सुनिए और उसमें से आप जो भी आपको गाइडेंस अच्छा लगता है उसको रखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों। कलेक्टिव रीडिंग में किसी को रेजोनेट होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन ये जो रीडिंग है बहुत ही कैपेबल होती है, बहुत ही राइट निकलती है। तो यहाँ पर पहले कार्ड से ये पता चलता है कि आप एकदम हर्मिट के मूड में हैं। एंजल बोल रही हैं कि आपको थोड़ा एकांत की ज़रूरत है, कुछ शांति की ज़रूरत है, और आप जब हर्मिट मूड में हैं तो आप का मन शांत होता है, मन एकाग्र तो होता है। उसके बाद आपकी जितनी भी थकान होती है, जितनी भी मानसिक चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरे कार्ड से ये पता चला है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपका जो मेहनत किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है और आपका जो पैसा है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ही बढ़ने वाला है, सुदृढ़ होने वाला है और आपकी जो फाइनेंस है वो बढ़ता ही जाएगा आपके हार्ड वर्क से, ये एंजल बता रही हैं। और सन कार्ड तो ये सबसे प्यारा कार्ड माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है दोस्तों। आपको बहुत ही मान सम्मान मिलने वाला है, आपको नौकरी जॉब भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है इस कार्ड से, किसी किसी को संतान का भी योग है कि आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर कोई आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको मिलने वाला है, एंजल बोल रही हैं। और साथ ही साथ ये भी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा हैप्पीनेस आ रहा है आपके जीवन में और बहुत ही सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। किसी किसी को रेजोनेट करेगा दोस्तों कि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। आप इतने चिंता ना करें, इतने परेशान ना रहें, क्योंकि आप अगर सारा समय आप अपनी चिंता में, परेशानियों में, कठिनाइयों में बिताएंगे तो एंजल बोल रही हैं फिर आप अपने लिए सही रास्ता कैसे ढूंढेंगे, सही काम कैसे करेंगे, अपना नौकरी और जॉब कैसे करेंगे। तो आप एक चिंता एक तरफ छोड़ दीजिए और अपनी टेंशन भी एक तरफ छोड़ दीजिए और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क करिए, तो आपका लाइफ है खुशियों से भर जाएगा, सक्सेस से भर जाएगा। द फूल कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो आप बहुत ही एक बोलते हैं ना हरफल मौला व्यक्ति हैं, आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप रोते हुए को हंसा सकते हैं और आप दूसरों की मदद भी करते हैं, साथ साथ अपनी भी मदद करते हैं। यानी यहाँ पे जीरो का कार्ड है दोस्तों, तो जीरो जिसके बगल में लगता है उसकी वैल्यू ज़्यादा अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ पे आप जिस व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसकी जो महत्ता है, जो वैल्यू है, अपने आप ही बढ़ जाएगी। यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है कि एंजल बोल रही हैं कि आपके जीवन में कोई तो प्यार आ रहा है, कोई आपका दोस्त आ रहा है, मित्र आ रहा है, यानी ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। एंजल बोल रही हैं कि आपके जीवन में बहुत ही सन साइन होने वाला है, बहुत ही आपको मान सम्मान मान मिलने वाला है और आपको जिस काम में आपने हाथ डाला है, यानी जो काम और योजनाएं आपने शुरू की है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ विक्ट्री का निशान है। आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होने वाले अपने कार्य योजनाओं में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में, अपने लव लाइफ में। बहुत ही प्यारा संदेश और गाइडेंस आपके लिए दे रहे हैं, देखते हैं इस गाइडेंस कार्ड से आपके लिए एंजल क्या कहना चाहती हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टाइम, यानी यहाँ पे लिखा है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही अच्छी, जो आपका समय जो है, जो आपकी समय है बहुत ही अच्छा चलने वाला है, आपका समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आपका के लिए शुरू हो गया है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एंजल बोल रही हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा शुरू हो गया है, तो उसका इस्तेमाल करें, प्रयोग करके उसकी जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपके लिए एंजल ये गाइडेंस दे रही हैं कि आपके जीवन में बहुत हैप्पीनेस आ रहा है,
बिग बिग आपके जीवन में चेंजेस भी आ रहे हैं, यानी आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन भी आ रहे हैं और खुशियां भी आ रही हैं। इतने प्यारे कार्ड निकल के आए दोस्तों आपके लिए, बहुत ही आपका जीवन सुखमय बनने वाला है, अच्छा होने वाला है और आपका जिंदगी जो है हैप्पी से बीतेगा, खुशियों से बीतेगा। इफ़ यू बिलीव, आप बस इतना करिए, एंजल बोल रही हैं कि तुम मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो आप केवल अंदर से स्ट्रांग फीलिंग रखो, एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी एंजल आपके साथ है। तो ये आप विश्वास रखिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एंजल को बुलाकर आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे से एंजल आपके लिए बोल रही हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया। यहाँ दिया गया है इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी किसी किसी के लिए होगा कि आपका हेल्थ खराब चल रहा होगा या तो आपको कुछ हेल्थ इशू होंगे, तो एंजल बोल रही हैं कि आप उससे परेशान मत होइए, तकलीफ में मत रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आपका जो हेल्थ है उसमें सुधार होने लगेगा और बहुत जल्दी आप हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और निरोग हो जाएंगे। डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे दिया गया है वेट, यानी आप कोई काम करने जा रहे हैं या किसी का आप कोई भी ऐसी योजनाएं करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, या कोई भी जॉब भी करने जा रहे हैं या तो कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल बोल रही हैं कि थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, तो उस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला रहेगा। यानी थोड़ा सा इंतज़ार करने में कुछ जाता नहीं है दोस्तों, हो सकता है कि आपके लिए और भी अच्छा समय आ जाए, एंजल बोल रही हैं। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करके अपना कार्य बाद में भी शुरू करते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और आपको सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे दिया गया इन द नियर फ्यूचर, यानी हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर हो, मैं कोई देख रहे हैं यहाँ पे कितना प्यारे कार्ड निकल के आए हैं दोस्तों, हो सकता है आपके सोलमेट मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, आपको नई जॉब, नई नौकरी, नया प्यार मिलने वाला है आपके लाइफ में। बहुत ही प्यारे कार्ड निकल के आए हैं दोस्तों, देख लीजिए, इन फ्यूचर आपकी खुशियों से भरी रहेगी, एंजल बोल रही हैं। आपका सोलमेट मिलेगा या ट्विन फ्लेम मिलेंगे, या तो आपके घर में कोई जश्न हो सकता है, उत्सव हो सकता है, और आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है दोस्तों। तो आपकी लाइफ बहुत ही सक्सेस रहने वाली है, सफल रहने वाली है, और आप बहुत ही इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजल बोलिंग, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मुझ पर बिलीव रखो, विश्वास रखो, और जब भी ज़रूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर ये फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको अगर टैरो रीडिंग करानी है, हस्त रेखा दिखाना है दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उसको लेकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको बुक कराना पड़ता है, तब जाके आपको रीडिंग मिलती है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप करा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।